नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाले वीडियो को अगर आप जल्द देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं और उन्होंने मानव सेवा को सर्वोपरि मानकर इस आपदा काल में हमारा भरपूर सहयोग किया। चाहे जिला चिकित्सालय में बिस्तरों, आवश्यक दवाओं, इंजेक्शन की जरूरत हो अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर की, उन्होंने तत्काल आपूर्ति कराई है। मेरी मांग पर उन्होंने छोटी से छोटी जरूरतों को भी पूरा किया है। शहर की समाजसेवी संस्थाओं ने भी यथायोग्य सहयोग देकर मानव सेवा में भागीदारी निभाई और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। उक्त बात अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने अशोकनगर के विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जरूरत की आपूर्ति तो होती ही है, लेकिन मानव सेवा के कार्य में सभी का सहयोग अपनेपन की भावना को जगाता है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष सलिल त्रिपाठी, समाजसेवी धर्मेंद्र रघुवंशी भी मौजूद थे। विधायक श्री जज्जी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें जिला चिकित्सालय में काम चल रहा है। मुंगावली साड़ोरा के ऑक्सीजन प्लांट का काम भी शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन के लिए जगह तैयार है और यह मशीन सरकार द्वारा जर्मनी से मंगाई जा रही है और उन्होंने और पहले स्लॉट में ही अशोकनगर के लिए मशीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा इस महामारी के दौरान प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। बेसहारा गरीब लोगों को 3 माह का मुफ्त राशन प्रदेश सरकार तथा 2 माह का मुफ्त राशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही हाथ ठेले मजदूर, छोटे दुकानदारों, भवन संनिर्माण कर्मकार के कामगारों को 1,000 रुपये महीने राशि डाली जा रही है। उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन वर्करों में किसी भी स्तर के कर्मचारी, जिनमें आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव व अन्य की कोविड-19 से मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जिस परिवार में छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं और उनके पालक मुखिया की मृत्यु होती है तो ऐसे परिवारों को प्रदेश सरकार 5,00,000 रुपये की राशि, 5,000 प्रति माह पेंशन व कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा व राशन सरकार देगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 1,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिला स्तर के प्राइवेट अस्पतालों को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है, जिससे हर जरूरतमंद को मुफ्त इलाज मिल सके। आम आदमी को निचले स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से जोड़कर उनकी सहभागिता से कोरोना की समाप्ति के लिए किल कोरोना अभियान को गति देने का काम किया है। ये माननीय शिवराज सिंह जी की दूरदर्शिता व प्रयासों का ही परिणाम है कि हम अपने ज़िले में कोरोना की लड़ाई को जीतने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इन सभी निर्णयों के लिए श्री जज्जी ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। जैसा कि पूरे प्रदेश में या देश में कोरोना की स्थिति थी, हमारा जिला भी उससे छूटा नहीं रहा था और पिछले दिनों हमारे जिले की जो पॉजिटिविटी रेट थी 30% तक पहुँच गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में और स्थानीय स्तर पर जो भी मुख्यमंत्री जी माननीय सिंधिया जी के निर्देश रहे उनके आधार पर हम सब लोगों ने जो भी प्रयास किए समाज से संस्था सबके कारण आज हमारे ज़िले की पॉजिटिव जो है परसेंटेज केवल 2-3% रहा है। ये हम सबसे शुभ लक्षण है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जो घोषणाएँ की हैं या जो निर्णय लिए उनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो अशोकनगर की जनता की ओर से मैं उनका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात रही हो, ऑक्सीजन की बात रही हो, इन दोनों की कतई कमी नहीं आने दी और इसके अलावा जो जो भी आवश्यकताएं हमको पड़ी चाहे वो किसी भी स्तर पर, जो प्रदेश में भी जो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी वो अन्य प्रदेशों से बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अस्पताल में व्यवस्थाएं कराई, चाहे सिलेंडर की बात हो। और इसके अलावा एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सभी प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लोगों को 3 माह का राशन फ्री, 2 माह का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से 5 माह का राशन ऐसे समय में जब जनता कर्फ्यू के माध्यम से जब दुकानें बंद हैं, धंधे बंद हैं, उन लोगों को कोई जीवन यापन में परेशानी ना हो, 5 माह का राशन उनको फ्री में देने का निर्णय लिया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा जो भी कोविड की महामारी के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिवार को पालन पोषण के लिए कोई नहीं रहा, उनके बच्चों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन, पढ़ाई फ्री, राशन उनको फ्री 11th तक, ये सब निर्णय लिया है
और ऐसे परिजनों को जिनके परिवार माँ बाप दोनों खत्म हो, छोटे बच्चे, उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा जो भी कोविड से डेथ हो रही है पूरे प्रदेश में, उनके परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया, जो बहुत ही मानवीय निर्णय है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और चूंकि जो प्रयास मुख्यमंत्री जी के रहे, उनकी बदौलत मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया जनता कर्फ्यू का और बाकी सारी व्यवस्थाएं जिस ढंग से की हैं, ऐसी महामारी जितनी भयावह स्थिति में थी और पूरी जब कल्पना भी हम नहीं कर रहे थे जब इस जबरदस्त तरीके से महामारी हमारे जिले में फैल रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मेरा पुतला भी उनसे संपर्क होता रहा और मुख्यमंत्री जी तत्काल हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए जिस चीज़ की हमें जरूरत लगी वो तत्काल हमें मुहैया कराई। उसी के कारण आज हमारा जिला जो है इस स्थिति में है कि हम लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे यहाँ डेथ भी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है और जो पॉजिटिव केस भी बहुत कम निकल रहे हैं। इसके लिए उन सारे प्रयासों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ। अशोकनगर क्षेत्र की जनता की ओर से आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।